नमस्कार सभी साथियों को, राम राम। जैसा आप सभी को पता है कि सीईटी की परीक्षाएं हाल ही में शुरू होने जा रही है और अब समय आ गया दोस्तों कि अब जो रिटन टेस्ट हैं उनका स्टार्ट होने का टाइम जो है वो आ चुका है। दोस्तों आज भी जो है बड़ी खबर आई है इसके बारे में। हरियाणा ग्रुप सी पदों के 13 गुना में 4 गुना से भी कम उम्मीदवार, पहले चरण में इन सभी 13 ग्रुपों की परीक्षा होगी। तो यहाँ पर दोस्तों यही बता रखा है कि कुछ पोस्टें ऐसे हैं जिसमें 4 गुना से भी जो है कम बच्चे हैं, तो उन सभी को मौका दिया जाए एग्ज़ाम में। सबसे पहले उनकी परीक्षा होगी और यह परीक्षा दोस्तों आप देख सकते हो ये जून है जो अपना, इसके जो है लास्ट जो मंथ है इसका, जो लास्ट वीक होगा, आखिरी सप्ताह में जो है इसकी जो है परीक्षाएं स्टार्ट हो जाएंगी। मतलब जो शुरू के ग्रुप है जिसमें कम बच्चे हैं और जो इजीली जिसका एग्ज़ाम लिया जा सकता है क्योंकि बच्चों की संख्या काफ़ी कम है, उसमें सबसे पहले इनकी परीक्षाएं होंगी। और यहाँ पर दोस्तों ये भी बता रखा है कि इस महीने के आखिरी सप्ताह में शुरू करेगा परीक्षा। पूरे जुलाई महीने में परीक्षा होती रहेगी अलग अलग ग्रुप के, लेकिन जो ग्रेजुएशन और ये प्लस टू के जो एग्ज़ाम है ना, ये दोस्तों इनमें समय लग सकता है। अगस्त सितंबर अक्टूबर तक ये जो है ग्रेजुएशन की और जो प्लस टू की जो पेपर है ये जा सकते हैं, लेकिन जो कॉमन ग्रुप है, मान लो जिसमें ये बता रखा है स्टाफ नर्स है, जूनियर कोच है, शिफ्ट अटेंडेंट है, ALM है, मॉडलर है, MPSW, डिस्पेंसर, आयुर्वेदा, रेडियोग्राफर, डेंटल हाइजीनिस्ट, ऑप्थोमिक सहायक, ऑपरेशन थिएटर सहायक, वर्कर, सुपरवाइजर और ग्रुप नंबर 49 के लिए जून के आखिरी सप्ताह में जो है स्क्रीनिंग टेस्ट होगा। तो उन्होंने ये भी बताया दोस्तों इन पदों के लिए जो मिनिमम है 4 गुना उम्मीदवार लिखित परीक्षा के लिए बुलाने हैं, मगर ऐसे पद हैं जिनके लिए उन सभी उम्मीदवारों के लिखित जिन्होंने आवेदन किया है वह अन्य योग्यताएं पूरी करते हैं। मतलब इनमें से 4 गुना में से भी कम है क्योंकि संख्या कम है, डिप्लोमा मांग रखा है अलग अलग और काफ़ी स्टूडेंट जिनके पास ये डिप्लोमा नहीं है, इसलिए इजीली ये टेस्ट हो जाएगा आपके दोस्तों। ये पंचकुला में जो है परीक्षा हो जाएगी इस जून के लास्ट में, पंचकुला में जो है ये एग्ज़ाम कंडक्ट हो जाएगा और इनका रिजल्ट भी जल्दी आएगा और इनकी ज्वाइनिंग भी बहुत जल्द जो है वो दी जाएगी। तो ये जितने भी जिन्होंने ये डिप्लोमा वाले हैं इन्होंने जो है ये अपने एग्ज़ाम की तैयारी वो कंटिन्यू रखें क्योंकि एग्ज़ाम आपका बहुत जल्द इन्हीं का होगा सबसे पहले। हालांकि ग्रेजुएशन वाले और जो है उनका थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन जो नॉर्मल हैं ये जिनमें स्टूडेंट्स भी कम हैं तो इनकी परीक्षा जो है ईजिली जो है ये करवा लेंगे HSSC वाले। और एक बात और दोस्तों, जिन पर स्टे है उनकी परीक्षा में थोड़ा समय लग सकता है क्योंकि स्टे हटने के बाद ही उनकी जो है परीक्षा ली जाएगी, इसमें यहाँ पर ये भी बता रखा है। और दूसरा दोस्तों, जो और भी ग्रुप बचते हैं उनकी परीक्षाएं जो हैं वो आपकी जुलाई और अगस्त में होगी, ये देखो यहाँ पर भी ये बता रखा है। और दोस्तों जो फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट है जिनमें, उनके भी दोस्तों जो है ये फिजिकल जो मेजरमेंट टेस्ट है, हाइट टेस्ट, वो भी स्टार्ट हो जाएंगे ताकि वो काम कंप्लीट करने के बाद उनका जो है रिटन टेस्ट ले सके। यहाँ पर बता रखा है कि जिनमें फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट PMT जरूरी है, इसलिए जुलाई के पहले सप्ताह में जैसे गार्ड है, डिप्टी रेंजर है, जेल वार्डर है, इनके लिए दोस्तों PMT होगा और जो PMT क्वालिफाई करेंगे उनमें 4 गुना उम्मीदवारों को जो है रिटन टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। तो ये आज CET के लिए बहुत बड़ी खबर है क्योंकि अब समय आ चुका है कि एग्ज़ाम आपके कंटिन्यू होंगे, तो आप अपनी स्टडी जो है वो कंटिन्यू रखें, तैयारी में कोई भी कमी ना आने दे। एग्ज़ाम चाहे लास्ट में हो या जुलाई में हो, आपको एग्ज़ाम क्लियर करना है तो आप अपनी तैयारी जो है जारी रखें क्योंकि ये टाइम बहुत क्रूशियल टाइम है, इसका जो है आपने वेस्ट नहीं करना है। इस समय को अपना कंटिन्यू एफर्ट्स लगाएं, तैयारी अच्छे से कर दें ताकि पेपर आपका इजीली क्लियर हो जाए। तो ये खबर आज दोस्तों आई हुई है अखबार में CET को लेकर, और अन्य जो है बच्चे उनके पास भी समय बहुत कम है क्योंकि एकदम से एग्ज़ाम का शेड्यूल जारी होगा और HSSC ने लगभग मुझे लग रहा है तैयारी कर ली है अपनी एग्ज़ाम्स लेने की और शुरू में आपको बता दिया इन ग्रुप्स के जो है एग्ज़ाम होंगे। तो ये खबर थी आज CET के एग्ज़ाम्स को लेकर। और अभी चेयरमैन साहब का जो है ये इंटरव्यू आप सभी ने देख भी लिया होगा, तो अब आप जो है ये भी बता रखा है दोस्तों करनाल और कुरुक्षेत्र में भी जो है आपके एग्ज़ाम लिए जाएंगे। यहाँ पर यह भी बता रखा है अगर किसी ग्रुप में पदों की संख्या ज़्यादा होने के कारण ज़्यादा उम्मीदवारों को लिखित परीक्षा लेनी पड़ी तो करनाल या कुरुक्षेत्र जिले में वह परीक्षा होगी।
तो जितने ज़्यादा संख्या में स्टूडेंट्स होंगे उस हिसाब से दोस्तों डिस्ट्रिक्ट से आपकी जो है परीक्षा स्टार्ट हो जाएगी। तो आज के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, यही खबर थी जो मैंने आपको बता दी। और भी ऐसी खबरों के लिए चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।